मैं आपको 10 से भी ज्यादा वीडियोस में बता चुका हूँ मूवी क्लिप पर काम करो, मूवी एक्सप्लेन शॉर्ट्स में सबसे ज्यादा पैसा है। जब लोगों के चैनल पर एक एक महीने में 1 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स बढ़ रहा है तो आपके चैनल ग्रो क्यों नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को हमेशा क्वेश्चन क्या रहता है, भाई हम आपके जैसे कलर ग्रेडिंग नहीं कर पाते, जैसे कि ये नॉर्मल वीडियो है इसमें मूवी डायरेक्ट डाउनलोड किया है, लेकिन अब ये कलर ग्रेडिंग वाली मूवी है इसमें कलर ग्रेडिंग कैसे करें। आपको अभी तक कलर ग्रेडिंग करना नहीं आता मूवी में। दूसरा क्वेश्चन आप क्या कहते हो, हमें AI वॉइस जनरेट करना नहीं आता, हम AI वॉइस कैसे बार बार जनरेट करें, 10,000 वर्ड से ज्यादा की लिमिट खत्म हो जाती है, हमारे पास इतने जीमेल भी नहीं है। एंड थर्ड एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन, आप लोग हमें से यही कहते हो, भाई हमें कोई ऐसे वेबसाइट बता दो, ऐसे ऐप बता दो जिससे अनलिमिटेड मूवी क्लिप्स मिल सके, और अगर मूवी क्लिप मिलती है तो हमें उनसे कॉपीराइट ना आए। देखो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं, आपके पास मूवी की कमी तो बिल्कुल होने नहीं वाली है, आप यहाँ पर एडिट करते करते वीडियो डालते डालते थक जाओगे, लेकिन आपको मूवी मिलते जाएंगी, आपके पास मूवी की कोई कमी नहीं होने वाली है। सारा प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा, बस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन मैं आपने हर वीडियो में बता चुका हूं जो मैंने मूवी क्लिप से रिलेटेड अपलोड की वीडियोस, लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं और फिर कहते हो भाई हमें यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इनका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले प्रॉब्लम, जब आप अपनी स्क्रिप्ट को AI वाली वेबसाइट 11 पर पेस्ट करते हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती है, एंड यहाँ पर आप मतलब बार बार नहीं कर सकते जनरेट AI वॉइस, यहाँ पर 10,000 वर्ड से ज्यादा की लिमिट आपके पास नहीं रहती। तो देखो इसका सिंपल से आसान से प्रोसेस है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करो एंड वहां पर एक क्लिप अपलोड किया है, आपका AI वॉइस वाला प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। अब सेकंड प्रॉब्लम क्या है, कलर ग्रेडिंग का। तो ये देखो ये एक नॉर्मल वीडियो, इसमें कोई कलर ग्रेडिंग नहीं की गई, ये प्रोफेशनल वीडियो इसमें कलर ग्रेडिंग की गई है, क्योंकि इसमें मैंने यूज किया है कैपकट एप्लीकेशन का। अब मैं आपको कलर ग्रेडिंग के लिए कैपकट में लेकर चलता हूँ, उससे पहले एक VPN जरूर से लगा लेना क्योंकि कैपकट इंडिया में बैन है। तो मैंने कैपकट ओपन कर लिया है और फिलहाल मैं यूज कर रहा हूँ सिक्योर VPN, आप उसको यूज कर सकते हो। एंड देखिए कैपकट ओपन करने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है एंड फटाक से अपने उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना जिसको आप एडिट करना चाहते हो। तो देखिए मैं अपनी उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें मैं एडिट करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको पहले बता देता हूँ, देखिए अगर आपको यहाँ पर किसी भी मूवी की एडिटिंग करनी है तो आपको ये सेम प्रोसेस देखना ही होगा बिना स्किप किए, अगर स्किप करके देखोगे ऐसे वीडियो हजारों देखते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो देखो ध्यान से कैसे एडिटिंग की जाती है, अभी तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, इस वीडियो में ये डॉगी आता है एंड कितना भद्दा कलर दिख रहा है, यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर ये रहा। अब यहाँ से वीडियो को कट कर देता हूँ, उस पर ध्यान मत देना, देखो ये डॉगी आता है एंड कितना ज्यादा बेकार से क्लिप लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है ना, तुम ये देखो। अब इस पर कलर ग्रेडिंग कैसे करते हैं ये देखो, इस पर क्लिक करेंगे एंड स्क्रॉल करके जाते हैं एक ऑप्शन पर जिसका नाम है फिल्टर। फिल्टर आने के बाद अब देखो यहाँ पर तुम्हें एक सीक्रेट फिल्टर सिलेक्ट करना होगा जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, मूडी फॉल। अगर ये तुम्हें नहीं मिलता है प्रो वर्जन में जाना, यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा। अब इसकी लेंथ को फुल बढ़ा के तुम्हें अप्लाई टू ऑल क्लिक कर देना है एंड इसके बाद अब तुम एडिट्स पर आना है एंड इसके बाद कंट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा के सैचुरेशन को बढ़ा के एक्सपोजर को कम कर दो। HSL पर आकर सेकंड कलर को मत छेड़ना एंड जो पहला कलर है उसमें क्या करना है आपको, आखिरी कलर तक सैचुरेशन बढ़ाओ लुमिनस कम करो, ऐसे ही आपको करते जाना है सारे कलर में, देख सकते हो बस सेकंड कलर मत छेड़ना आपको वीडियो बेकार हो जाएगी। ये देखो तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हो, ये मैंने पूरे कलर को एडजस्ट कर लिया है। अब देखो आपको एक काम और करना है, हाईलाइट को बढ़ा देना है एंड टेम्परेचर को कम करके अप्लाई टू ऑल क्लिक कर देना है। अब ये देखो इससे पहले का वीडियो में आपने देखा था कितना बेकार क्वालिटी था और अब देखो कितना मस्त क्वालिटी हो गया है, लग रहा है देखो गार्डन वार्डन सब में कलर हो गया है एंड डॉगी कितना प्यारा लग रहा है। अभी ये वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद और क्वालिटी का लगेगा, अभी तो आपको थोड़ा यहाँ पर ऐप में तो खराब दिखता है ये भाई, आपको पता होगा सीधी सी बात है। एंड देखो अब मैं बताता हूँ कॉपीराइट से कैसे बचते हैं, देखो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है क्रॉप का एंड मिरर का। देखो अभी क्या हो रहा है देखना, अभी यहाँ पर ये लड़की इस साइड बैठी है एंड डॉगी इस साइड है, अब मैं मिरर पर क्लिक करूंगा ये लड़की इस साइड आ गई डॉगी इस साइड आ गया, अब बताओ पूरा पोर्शन ही चेंज हो गया। तो भाई ये बताओ कैसे कॉपीराइट आ सकता है, तो ये मेथड मैं यूज करता हूँ, इसी की वजह से मेरी वीडियो पर कभी कॉपीराइट नहीं आता एंड यूट्यूब इसको हमारा ओरिजिनल कंटेंट समझकर हमारे वीडियो को वायरल कर देता है। तो इतना से प्रोसेस था, बाकी तुम लोग सेव तो कर ही सकते हो, क्वालिटी समझ के तुम्हारे हिसाब से कर लेना सेव। अब आगे का प्रोसेस देखो, वीडियो को छोड़कर अभी मत जाओ। तो थर्ड और लास्ट क्वेश्चन क्या है, हमें मूवी क्लिप्स नहीं मिलती अनलिमिटेड। तो देखो आपको यूट्यूब पर आना है, हॉलीवुड मूवीज इन हिंदी एंड नो कॉपीराइट इतना सर्च करना है, जितने मूवीज आपके सामने आएंगी सारी मूवीज को आपको उठा लेना है। अगर आपको नहीं पता मूवीज को लेते कैसे तो टेलीग्राम चेक कर लेना, वहां पर सोल्यूशन डाला हुआ है। एंड देखिए आप कहोगे इस पर कॉपीराइट आएगा, भाई मेरे इन चैनल ने मूवीज को ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, इनको कॉपीराइट नहीं आ रहा। और जब आप मेरे मेथड से यहाँ पर अपलोड करोगे मूवी क्लिप को जो आपने अभी पहले देखा कैसे एडिट करके कैसे कॉपीराइट से बचे जाता है उस मेथड से करोगे तो आपको कॉपीराइट आ ही नहीं सकता, आप चैनल को अनसब्सक्राइब करवा देना अगर आपको
एक भी कॉपीराइट आ जाए। तो फिलहाल मिलते हैं इसने मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जैन एंड वंदे मातरम।